हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की रसेदार सब्जी, जो पूरी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने आलू लिए हैं 6, 2 टमाटर की प्यूरी ली है, थोड़ा सा पुदीने का मैंने पत्ता सुखाया हुआ जो पाउडर है मेरे पास वो लिया है, जीरा, सौंफ और धनिया पाउडर, हल्दी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ से ऐसे तोड़ लेते हैं। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है आलू को हमें। पहले हमने आलू को बॉईल किया था, अब उसको छील के ये आलू हमारे ऐसे रेडी हो गए हैं। इसको हल्का सा हम थोड़ा सा इस टाइप से कुछ आलू हम अपने कर लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने कुकर रख लिया है, गैस ऑन कर दी है, अब रिफाइंड डाल रही हूँ मैं। इसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड यूज किया है। कुकर हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा हमारा चटकेगा, साथ साथ डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, फिर मिक्स करेंगे। आधा चम्मच नमक, चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने की पत्तियाँ जो मैंने सुखाई हुई हैं। इसमें खाली अब मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है, प्याज इस्तेमाल नहीं की है। अब हम डालेंगे आलू। फिर मिक्स कर देंगे एक बार। अब डालेंगे 1 कटोरी पानी। मिक्स करेंगे। और ढक्कन लगा देंगे 1 सीटी आने तक। 1 सीटी आ गई है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ऊपर खोल के देखते हैं 5 मिनट वेट करके कि हमारा कैसी बनी है आलू की सब्जी। बहुत ही अच्छी, एकदम बढ़िया हमारी सब्जी एकदम बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ और धनिया का पाउडर। मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी हमारी एकदम सब्जी बनके तैयार हुई है। इसमें मैंने प्याज नहीं डाली और गरम मसाला, हरा धनिया नहीं डाला, और ये बिल्कुल ही एकदम लाइट है। और आप इसको खाइए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।